इलाके नू विकास दीआं बुलंदियां ते भाजपा के सबका विधायक चौधरी सुरजीत कुमार जैनी वालों ही लिजाया जा सकता है। अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल दौरान शहर ना किते हरेक वादे उन्होंने पूरे किए हैं, चाहे वह पिंडां दीआं गलियां नालियां सड़क होन, शहर के कोई वड्डी बिल्डिंग बनानी, इमारत बनाना होवे या शहर नू जिला बनाना होवे। इन्हां गल्लां दा प्रगटावा अज उन्हां दे पुत्तर वधू पूजा जैनी वालों शहर के हरेक वार्ड में जाके उन्हां दी कमान नू तेज किया गया ते उन्हां दे हक में प्रचार करते दौरान किया गया। उन्हां दे नाल MC रचना कटारिया, अनीता जैरद, विक्की बजाज विशेष तौर पर मौजूद रहे। इत्थे बोलते हुए वख वख आगुआ ने की कुछ कहा, यह सब कुछ जानने लई साडे पत्रकार साहिल भटेजा की रिपोर्ट। सारे भैन भरावान वोटा की बेनती करने के लिए श्रीमती पूजा जानी तहाड़ी गली तहाड़ी महल्ले के अंदर वोटा की बेनती लैके पहुंच चुके हैं श्रीमती पूजा जानी चौधरी सुरजीत कुमार जानी जी की पुत्र वजू श्रीमती पूजा जानी वार्ड नंबर 4 च घूम रहे लोगों मिल रहे हो, जो कि इतने कांग्रसी कौंसल ने लंबे समय तो लोगों का रुझान की लग रहा जी? सब असी वार्ड नंबर 4 तो डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहे हैं BJP चौधरी सुरजीत कुमार जानी की। सानू इतने लोगों का बहुत वधिया हुंगारा मिल रहा है। तुसीं किवें कह रहे हो, पहली गल तां भी इतने लंबे समय तो कांग्रेस के कौंसल ने इस वारी बने हैं। पिछली बार 2 प्लान BJP के रहे हैं, मृदुला शर्मा जी रहे हैं, कंचन शर्मा जी रहे हैं, सेतिया जी रहे हैं। उस तो पहला कांग्रेस के भारती शर्मा जी मदर से वो साढ़े ना इस बार BJP ज्वाइन कर गए। ये तो साड़ी देन है, साढ़े वार्ड नंबर 3 की देन है। जो कांग्रेस को कौंसलर बनाया वो भी इतने BJP का कैंडीडेट नहीं सी, ता बने हैं। आड़ती एसोसीएशन प्रधान उन्होंने कहना है भी ऐतकी जो कांग्रेस है वो पिछले बार 265 में जीती सी, 26,500 ना जीतेगी जी, दावा कर रहे हैं। दविंदर सदेवा जी कह रहे हैं जी। दविंदर सदेवा जी मैं कल पूछना चाहना है, तो मेरे बहुत ही सत्कार और अंकल जी ने, पर मैं कहना चंगा नहीं लगता। मैं ये पूछना चाहना तुहानू, तुसी आड़ती दे प्रधान भी हो, कांग्रेस के चंगे लीडर भी हो, तुसी घुबाया साहब की सपोर्ट कर रहे हो, तुहाडा बेटा जो कि समझ की हरेक मीटिंग हुंदा जिंदे कोल कि मेरे को प्रूफ ने मैं दिखा सकना, तो मैं किस गल की उन्होंने मनना। उन्होंने वोट ही पिछली बार उन्होंने 8,000 वोट पई है, मैं इस बार 4,000 वोट तो फाजिलका नहीं कहता, लोग उन्होंने नकार चुके ने। ये तुहानू जल्दी पता लग जाएगा 1-2 दिनों के घुबाया साहब की मुखालफत। एक मैं होर चीज़ कहना चाहना, घुबाया साहब के खास वर्कर कुछ जलालामा तो जो उन्होंने नाल खब्बे सज्जे रहते हैं, वो एक इतों के जो उन्होंने अहदेदार मोदी बने हुए हैं, उन्होंने अच्छा वीडियो बहुत वायरल हो रही है। ये तो अपने हिंदुओं
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਕਿਸ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਚ ਆਇਓ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਕਟਾਰੀਆ MC ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਤੋਂ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? आज हम वार्ड नंबर 4 में मैम के साथ आए हैं, तो हमारा कहना यही है, हम युवा गर्ल्स हैं जो मैम के साथ हैं, तो भाजपा पार्टी को आप विजयी करो ताकि पंजाब के अंदर जो हमारे इस ये बॉर्डर एरिया है यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट जो है। हमारे बीजेपी के उम्मीदवार सुजीत कुमार जैनी जी, इन्होंने पहले भी 2007 तक किया है और अब भी करेंगे, ताकि हमें बाहर जाके एजुकेशन ना मिले। यहीं पर हमारे लिए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, अगर एक मौका इनको दी गई ताकि ये जीतें और हमें बाहर जाने की बजाय अपने ही शहर में हर एक फैसिलिटी मिले। आप आज वार्ड नंबर 4 में आए हो, अपने साथियों के साथ क्या कहना चाहिए? सबको यही कहना है कि विकास के नाम पे वोट दीजिए और डेवलपमेंट के नाम पे वोट दीजिए, अपने शहर को तरक्की की तरफ ले जाइए। जो पिछले साल 5 साल खराब हुए हैं उनकी भरपाई हम करने में बहुत टाइम लगेगा, बट फिर भी हमें इस बार एकजुट होकर भाजपा को विजयी बनाना। ABN न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज़ चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।